अभी देखिए आ गए हैं हम अपनी क्लास में और अब स्टडी करते हैं हम ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन के बारे में। इस पॉइंट को पढ़ने के बाद, इस पॉइंट को सीखने के बाद हम एक क्वेश्चन कंसिडर करेंगे जो आया हुआ है गेट एग्जामिनेशन 2016 में। तो सबसे पहले मैं इस कंसेप्ट को यहाँ पे बता देता हूँ और फिर इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास 2016 में उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। अभी तक आपने जो ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बारे में जो कुछ सीखा है उससे पहले आपको पता होना चाहिए वो पॉइंट जो आपने अब से पहले सीखे थे, जो सिंपल पॉइंट है। मैं आपके सामने उन पॉइंट्स को एक बार रिपीट कर देता हूं जिन पॉइंट्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये आपके पास मान लीजिए बॉडी है और इस बॉडी का जो इनिशियल लेंथ है वो मान लीजिए एल जीरो है और जो इस बॉडी के लिए इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी वैल्यू ए जीरो है। आपने दोनों तरफ यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, आपने दोनों तरफ यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया और अब अगर आपसे कोई पूछे या आप अपने आप से अगर सवाल करें और मैं आपसे कहूं कि जो स्ट्रेस है जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे रहेगी एफ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने ड्रॉ की है ये फर्स्ट सिचुएशन है। अब सेकंड सिचुएशन में आपके सामने बनाऊंगा, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन, ये हमारे पास सेकंड सिचुएशन जो आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूं। जब हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई रखेंगे तो इस बॉडी की जो शेप है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, यानी खींच करके ये बॉडी लंबी हो जाएगी। अब मान लीजिए खींचने के बाद इसकी जो लेंथ है वो हो जाती है यहाँ पे L1 और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी यहाँ पे रिड्यूस होगा जिसकी वैल्यू हो जाती है यहाँ पे A1 और फोर्स अभी भी आपने यहाँ पे अप्लाई करके रखा है एज अ F और यहाँ पे भी फोर्स है हमारे पास एज अ F। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि अब बताइए स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, तो आप झट से यहाँ पे जवाब देंगे कि स्ट्रेस की वैल्यू होगी यहाँ पे F डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास स्ट्रेस था जिसको हमने यहाँ पे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है वो है F डिवाइडेड बाय A0। लेकिन जब हमने सेकेंड सिचुएशन को कंसिडर किया है तो स्ट्रेस को हमने यहाँ पे लिखा है स्ट्रेस F डिवाइडेड बाय A1। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे एज अ सिग्मा बार के रूप में, सिग्मा बार से। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारे पास सिग्मा है इस सिग्मा को कहा जाता है डायरेक्टली, जिसको आप अभी तक पढ़ते आए हैं सीखते आए हैं, इसको कहा जाता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस और कॉन्वेंशनल स्ट्रेस। ध्यान दीजिए, सिग्मा को कहा जाता है, जो अभी तक आप सीखते आए हैं पढ़ते आए हैं, सिग्मा को यहां पे कहा जाता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस और कन्वेंशनल स्ट्रेस। जबकि जो हमारे पास सिग्मा बार है इस सिग्मा बार को कहा जाता है यहां पे ट्रू स्ट्रेस। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ट्रू स्ट्रेस और सिंपल स्ट्रेस है उनको हम कैसे रिलेट करते हैं आइए वो सीखते हैं। सबसे पहले जो सिचुएशन यहाँ पे अवेलेबल है उस सिचुएशन को मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं यहाँ पे, एट फर्स्ट सिचुएशन तो मेरे पास वॉल्यूम की वैल्यू रहेगी क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ और लेंथ है यहाँ पे एज अ L0। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं वॉल्यूम की सेकेंड सिचुएशन में तो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू रहेगी इस बार भी A1 दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू L1 दैट इज लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो A0 L0 और यहाँ पे वॉल्यूम है A1 L1। ये इनिशियल सिचुएशन है और ये फाइनल सिचुएशन है और आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो मटेरियल है वो सेम है, उसका केवल शेप यहाँ पे चेंज हुआ है, लेकिन जो वॉल्यूम है, जो यहाँ पे वॉल्यूम है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक लीटर दूध लिया है और उस एक लीटर दूध को आपने किसी भगोने के अंदर या किसी
बर्तन के अंदर या किसी पोट के अंदर आपने उसको डाल दिया है, तो क्या होगा कि जो दूध होगा वो उस पोट की शेप को ले लेगा। जैसे ये एक लीटर है, ठीक है, इस लीटर में आपने मिल्क भरा हुआ था, आपने क्या किया इसको एक पैन एक बर्तन के अंदर डाल लिया, तो अभी तक जो मिल्क भरा हुआ था वो यहां तक भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही आपने मिल्क को यहाँ पे डाला तो जो मिल्क था वो इस ड्रम इस भगोने इस पैन के अंदर यहां तक आएगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे इजीली कि जो हमारे पास वॉल्यूम है उसकी हमने केवल शेप चेंज की है। स्टार्टिंग में वो एक सिलेंड्रिकल लीटर की फॉर्म में था, अब वो क्या हो गया यहाँ पे एक भगोने की शक्ल में आ गया है, जैसा आपके पास कोई एक डिवाइस है, कोई आपके पास एक पैन है एक बर्तन है। तो ये बहुत सिंपल सी थिंग है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन दोनों बातों को यहाँ पे समझ गए होंगे कि केवल यहाँ पे शेप चेंज हुई है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। इसलिए जो सिचुएशन है वो मैं आपके सामने लिख सकता हूं कि जो वॉल्यूम है इन फर्स्ट सिचुएशन वो इक्वल रहेगा वॉल्यूम इन सेकेंड सिचुएशन। तो वॉल्यूम इन फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास है ए नोट एल नोट, और वॉल्यूम इन सेकेंड सिचुएशन हमारे पास है ए वन एल वन। अब देखिए मैं क्या करता हूं कि जो एरिया है उसको मैं एक तरफ कर लेता हूं, यानी ए वन ए नोट डिवाइडेड बाई ए वन इज इक्वल टू दूसरी तरफ कर लेता हूं मैं एल नोट डिवाइडेड बाई एल वन डिवाइडेड बाई एल नोट। ठीक है, ए नोट डिवाइडेड बाई ए वन एल वन डिवाइडेड बाई एल नोट, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने वैल्यूज को रखूंगा। सबसे पहला पॉइंट, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए नोट होती है, आप सभी जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास रहेगा यहां पे, जैसे इंजीनियरिंग स्ट्रेस है इसी तरह हमारे पास रहती है इंजीनियरिंग स्ट्रेन, इसी तरह हमारे पास रहती है इंजीनियरिंग स्ट्रेन, और इंजीनियरिंग स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से, इंजीनियरिंग स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से, और जो एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू रहती है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, या इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। इस फॉर्मूले से आप ज्यादातर कॉन्टेक्ट में रहते हैं, ठीक है, ये भी फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन जो हमें यूज करना है वो इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पे यूज करना है। इस तरह से देखिए हमारे पास फॉर्मूला है L1 माइनस L0 डिवाइडेड बाय L0, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L0 माइनस L0 डिवाइडेड बाय L0। मैंने क्या किया, जो L0 है उसको अपॉन में अलग अलग कर लिया है, देखिए L0 से L0 कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास आएगी L1 डिवाइडेड बाय L0 माइनस 1 माइनस 1, और आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी L1 डिवाइडेड बाय L0 इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। और अभी हमारे पास ये नियम हमने यहां पे फाइंड किया है, एक रिलेशन हमने फाइंड किया है कि L1 डिवाइडेड बाय L0 होता है 1 प्लस एप्सिलॉन, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि A0 डिवाइडेड बाय A1 भी इज इक्वल टू हो सकता है 1 प्लस एप्सिलॉन के 1 प्लस एप्सिलॉन को। ठीक है, अब ये तो बात हुई हमारे पास सिंपल जो अभी तक आप सिचुएशन पढ़ते आए हैं सीखते आए हैं, सिग्मा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए नोट और इंजीनियरिंग स्ट्रेन, और सिंपल स्ट्रेन आप उसको वहां पे कहते थे, उसकी वैल्यू रहती है हमारे पास एज अ चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेस और हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ जो है इसको हम यूज कर सकते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं फॉर एवरी मटेरियल, फॉर एवरी मटेरियल, ध्यान दीजिए यूज फॉर एवरी मटेरियल, इन पॉइंट्स को हम यूज कर सकते हैं फॉर एवरी मटेरियल। अब ये बात हुई हमारी सिंपल बातें जो अभी तक आपने सीखी है, अब जो आपको सीखना है गेट एग्जाम के लेवल पर वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉइंट लेंगे हम यहाँ पे एज अ थर्ड, और पॉइंट थर्ड है हमारे पास जिसका नाम रखेंगे हम यहाँ पे ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा बार से, और सिग्मा बार की वैल्यू मैंने बताई थी सिग्मा बार इज इक्वल टू
एफ डिवाइडेड बाई ए वन, एफ डिवाइडेड बाई ए वन, ये हमारे पास वैल्यू है ट्रू स्ट्रेस की। लेकिन ये तो सिंपल फॉर्मूला है। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ी छेड़खानी करेंगे, थोड़ा सा आप यहाँ पे अपना माइंड लगाएंगे, हम देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास ये वैल्यू है सिग्मा बार इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए वन, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे ए नोट डिवाइडेड बाई ए नोट से, ए नोट डिवाइडेड बाई ए नोट से, जहां से हमें वैल्यू मिलेगी। मैं यहाँ पे रीअरेंज करता हूँ वैल्यू को, एफ डिवाइडेड बाई ए नोट इन टू ए नोट डिवाइडेड बाई ए वन, यानी जो ए वन था ये तो मैं यहाँ पे ले आया हूँ, और जो ये वाला ए नोट था इसको मैं यहाँ ले आया हूँ, इंटरचेंज मैंने किया है ए वन और ए नोट का। आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, ये जो f डिवाइडेड बाई ए नोट है ये वैल्यू है हमारे पास सिंपल स्ट्रेस की, यानी कि सिग्मा की, और ये जो वैल्यू है हमारे पास ए नोट डिवाइडेड बाई ए वन, ये भी हमने वैल्यू फाइंड की है। देख सकते हैं आप ए नोट डिवाइडेड बाई ए वन की जो वैल्यू है वो है वन प्लस एप्साइलन के इक्वल। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, ये वैल्यू है हमारे पास वन प्लस एप्साइलन के लिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आ गई है, सिग्मा बार इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वन प्लस एप्साइलन। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये वैल्यू आई है हमारे पास ट्रू स्ट्रेस के लिए, ट्रू स्ट्रेस के लिए। तो ट्रू स्ट्रेस में आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल, सिग्मा बार इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए वन, ठीक है। और जो ए वन है आप इसको ध्यान रखिएगा, ए वन को यहाँ पे कहा जाता है एज अ इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एरिया, इंस्टेंटेनियस एरिया। आई बात समझ में? अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारे पास जिसका नाम है ट्रू स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेन। और ट्रू स्ट्रेन को यहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ई से, ट्रू स्ट्रेन को यहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ई से। अब ट्रू स्ट्रेस के, ट्रू स्ट्रेन के लिए हम फिर से सिचुएशन को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे कि मान लीजिए जो सिचुएशन है हमारे पास वो ये है कि जो इनिशियली यहां पे हमारे पास वैल्यू है वो मान लीजिए एल है, वो मान लीजिए एल है, और जो चेंज है लेंथ का, जो चेंज इन लेंथ है उसकी वैल्यू मान लीजिए हमारे पास है डी एल, उसकी वैल्यू हमारे पास डी एल। तो ट्रू स्ट्रेस को फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है ध्यान रखिएगा वो है हमारे पास एप्साइलन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी एल बाय एल, और यहां पे हम लिमिट कंसिडर करेंगे क्योंकि हम मान के चलते हैं कि इनिशियल लेंथ है हमारे पास एल जीरो और जो फाइनल लेंथ है वो है हमारे पास एल वन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा ट्रू स्ट्रेन के लिए, ये फॉर्मूला हमारे पास रहेगा ट्रू स्ट्रेन के लिए। और जब आप यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे सिंपल वैल्यू आपके पास आ जाएगी एल एन एल लिमिट L0 टू L1, और ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू जब आप लिमिट को रखेंगे तो लिमिट आएगी यहाँ पे LN फाइनल लिमिट दैट इज L1 माइनस इनिशियल लिमिट दैट इज L0। और अब आप यहाँ पे यूज करेंगे लॉग प्रॉपर्टी का, तो लॉग प्रॉपर्टी में वैल्यू हमारे पास आ जाएगी LN LN L1 डिवाइडेड बाय L0 और L0। और अगर आपको पता हो कि L1 डिवाइडेड बाय L0 की वैल्यू हमने फाइंड की है जो है हमारे पास 1 प्लस एप्साइलन, जो है हमारे पास 1 प्लस एप्साइलन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है ट्रू स्ट्रेन के लिए, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है ट्रू स्ट्रेन के लिए, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे जो सिचुएशन है वो हमने फाइंड कर ली है जो है हमारे पास ट्रू स्ट्रेस, जिसका फॉर्मूला हमारे पास आया है सिग्मा बार इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वन प्लस एप्साइलन, और जो हमारे पास वैल्यू है ट्रू स्ट्रेन, जो हमारे पास वैल्यू है ट्रू स्ट्रेन उसका फॉर्मूला हमारे पास आया है एज अ स्मॉल ई इज इक्वल टू एल एन वन प्लस एप्साइलन। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है इनको हम यूज करेंगे, और ये जो पॉइंट है ये रहते हैं वैलिड फॉर, वैलिड फॉर इनकम्प्रेसिबल, वैलिड फॉर इनकम्प्रेसिबल मटीरियल। जो हमारे पास सिंपल स्ट्रेस और सिंपल स्ट्रेन थी वो सभी मटीरियल के लिए था, लेकिन जो हमारे पास ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन है वो केवल वैलिड है इनकम्प्रेसिबल मटीरियल के लिए, यानी कि इन पॉइंट को हम इनकम्प्रेसिबल मटीरियल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो इन्हीं टॉपिक्स और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, 2016 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में कहा गया है इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ध्यान दीजिए, इंजीनियरिंग स्ट्रेन ऑफ अ माइल्ड स्टील सैंपल इज रिकॉर्डेड एज 0.100%। ध्यान दीजिए वैल्यू हमें यहाँ पे परसेंटेज में दी गई है। द ट्रू स्ट्रेन इज तो हमें यहाँ पे ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें यहाँ पे स्मॉल ई की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन हमें यहाँ पे जो इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, यानी जो हमारे पास सिंपल स्ट्रेन है, उसकी वैल्यू गिवन है हमें एप्साइलन इज इक्वल टू 0.100%। अब आपको ध्यान देना है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है ट्रू स्ट्रेन के लिए, वो फॉर्मूला है हमारे पास ln 1 प्लस 0.0 सॉरी ln 1 प्लस एप्साइलन 1 प्लस एप्साइलन, और जो एप्साइलन की वैल्यू है वो हम परसेंटेज में यहां नहीं ले सकते, इसलिए जो परसेंटेज की वैल्यू है उसको हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा सिंपल वैल्यू में, जिसके लिए हम करेंगे यहाँ पे 100 से डिवाइड, क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंट हटाना है। तो 0.100 डिवाइडेड बाय 100, जिससे हमारा परसेंटेज हट जाएगा और वैल्यू हमारे पास आएगी एप्साइलन के लिए। अभी ये जो पॉइंट है ये है 1 के बाद, अब जो हमारे पास पॉइंट आएगा ये दो पॉइंट और पीछे हट जाएगा, नहीं वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.001। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्साइलन। अब इस वैल्यू को, इसको अगर आप इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं तो फर्स्ट के अंदर आप रख देंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ट्रू स्ट्रेन के लिए ln 1 प्लस 0.001, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है। अब E इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास आएगी ln 1.001, ठीक है। और जब हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं ln में, कैलकुलेटर की फॉर्म में, आपको पता होना चाहिए कि जो ln होता है ये होता है लॉग की वैल्यू बेस E पर। तो जब हम इसको फाइंड करते हैं हमारे पास वैल्यू आती है 0.00099, ये हमारे पास वैल्यू आती है ट्रू स्ट्रेन के लिए। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि जो हमें वैल्यू यहाँ पे गिवन है वो सारी की सारी वैल्यू परसेंटेज में गिवन है, सारी की सारी वैल्यू परसेंटेज में गिवन है, जबकि आपके पास जो वैल्यू आई है वो डिजिट में आई है, तो इसलिए यहाँ पे हमें परसेंटेज में वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब जैसा कि यहाँ पे आपने परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया है, तो इसीलिए परसेंटेज को लगाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी, देखिए E इज इक्वल टू 0.00099 इंटू 100, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास परसेंटेज में। और जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो दो जीरो है वो 100 के इफेक्ट की वजह से यहाँ से हट जाएंगी और वैल्यू हमारे पास आएगी 0.099%, ठीक है, वैल्यू है हमारे पास 0.099%। तो हमारे पास जो वैल्यू है ऑप्शन नंबर सी में वो राइट वैल्यू है और यही हमारे पास आंसर रहेगा। आई बात समझ में? तो ये कंसेप्ट था रिगार्डिंग टू द ट्रू स्ट्रेस, ठीक है, ट्रू स्ट्रेस दैट इज सिग्मा बार एंड ट्रू स्ट्रेन दैट इज स्मॉल ई, जो हमने यहाँ पे इस क्लास में कवर किया है, ठीक है। So, thank you very much for attending the class.